महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के हकाम गांव के पास लकड़ी मुख्य मार्ग के हाईवे को गांव के लोगों ने जाम कर दिया है। गांव में बरसात का पानी घर के अंदर घुस जाने के कारण लोग पिछले 5 दिनों से काफ़ी परेशान हैं। आपको बता दें कि बारिश के पानी के कारण उर्मा हकाम आकोपुर के इलाके में जल का स्तर बढ़ गया है, जिससे फसल का काफ़ी नुकसान हुआ है और पालतू पशुओं को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। रास्ते में आके लकड़ी मुख्य मार्ग हाईवे को जाम कर दिया। गांव वालों का ये मांग है कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन गांव की समस्याओं को सुने और इसका उपाय करे, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के तरफ से कोई भी नहीं पहुँचा है। रोड बना दिया हम लोगों ने, बोला उस समय कि हमारा रोड जो है नाला है, उस नाले को बनाइए, रोड को चालू कर, कम से नाला नीचे रहेगा तो पानी पास हो जाएगा। समस्या आप लोग हाईवे को जाम किए? हमें हाईवे को इसलिए जाम किए कि पानी निकल नहीं रहा है, हमारा पूरा रोड जाम, पूरा हमारा पूरा घर डूब गया है, माल गोरू जितने सब डूब गए हैं, 4-5 दिन से हम लोग भूखे पड़े हुए, इसलिए हमने रोड जाम किया है। और जिला प्रशासन हमारा कोई बात नहीं सुन रहा है, हम लोग पिछले फ्राइडे से फोन कर रहे, कोई फोन नहीं कर रहा। हमारी मांग पूरी नहीं करेगा तब तक हम रोड जाम करके रहेंगे। अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई प्रशासन कोई अधिकारी अब तक आया नहीं है। नाम बताओ जी। मेरा नाम अभय कुमार पासवान है। मार्ग को जाम किए हैं, क्या समस्या है? समस्या है कि हम लोग तीनों गांव का जितना फसल था सब डूब गया, घर दरवाजा वगैरह पर पानी सारा चला गया, सारा लोग एकदम पानी से त्रस्त है। आगे के कौन कौन गांव, कौन कौन गांव डूबा? उर्मा, उत्तर टोला, बिंदुसार, हकाम, उर्मा, उत्तर टोला, बिंदुसार, हकाम, 4 गो तो 5 गो गाँव तो हम ही लोग। क्या मांग है आप लोग? मांग लोग है कि जो लोग सरकारी रास्ता अतिक्रमण किया है, नाला को अतिक्रमण किया है, प्रशासन आए साफ करवा दे, बात खत्म हो जाए, पानी निकलने लगे। कब तक आप लोग जाम कीजिएगा? जब तक प्रशासन नहीं है, जब तक नाला नहीं खुलता है तब तक हम जाम करेंगे। नाम बताइए, नाम बताइए। नाम तो पूरा गाँव के लोग है, नाम लेकर नहीं क्या? मेरा नाम राजकिशोर जी।